हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी छत से पानी टपक रहा है और आप इस टपक से परेशान हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे करें। उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा केमिकल बेस्ट रहेगा और कैसे कैसे इसका प्रोसेस रहेगा इसको करने का, तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, पूरा देखें कैसे कैसे कोटिंग होगी, कैसे कैसे काम होगा, कौन सा केमिकल यूज़ होगा, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं अपनी वीडियो। दोस्तों, अगर आपकी छत से इस तरीके से पानी आ रहा है तो आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो, उसका सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन हम आपको देंगे। अगर आपकी छत पर इस तरीके से कोई क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, हम आपको बेहतरीन टिप्स देंगे वाटर प्रूफिंग के, केमिकल के, किस तरीके से केमिकल करें और कितने समय तक ये चल सकता है। तो बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी छत की बहुत अच्छे से धुलाई करेंगे, बहुत अच्छे से धुलाई कर देंगे, इसमें मिट्टी वगैरह दिखाई न दे। उसके बाद 2 दिन के लिए सूखने के लिए, धूप में सूखने के लिए छोड़ दें और झाड़ू से अच्छे से सफाई करें और जो जगह जगह रह गया उसे ब्रश से साफ़ करें। सबसे पहले हमें फर्स्ट कोट करने के लिए इस केमिकल को बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा, इसे हैंड मशीन से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारा फर्स्ट कोट आता है जिसमें हमारी छत बिल्कुल अच्छे से सफाई हुई होनी चाहिए और उसको रोलर ब्रश से या फिर हम अपने हैंड ब्रश से ही कर सकते हैं, बेस्ट जो रहेगा वो हमारा रोलर ब्रश से ही रहता है। तो इसे अच्छे से सफाई, मिट्टी वगैरह हमारी दिखाई नहीं देनी चाहिए। छत पर कोट कराते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कहीं पर भी नमी ना रहे, कहीं पर भी वाटर प्रूफिंग में कहीं पर छत पर हमारी कोई नमी नहीं दिखाई देनी चाहिए, वरना हमें आगे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम लोग इस केमिकल को मिक्स करते हैं तो उसमें लगभग 4 से 5% पानी भी मिला ले ऐड कर लेते हैं, जिससे ये मटेरियल जो होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, जिससे पानी मिलाने से हमारा थोड़ा ये लूज़ होने लगता है और अच्छे से हमारा इस टाइल के साथ या हमारी छत के साथ बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसमें 4 से 5% पानी ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। ये कोट हमारा सिंगल कोट कहलाता है, फर्स्ट कोट। फर्स्ट कोट हमारा थोड़ा अच्छे से होना चाहिए और उसके बाद में ये फर्स्ट कोट जब हमारा हो जाता है तो इसमें लगभग हमें सूखने के लिए इसे 4 से 5 घंटे हमें चाहिए। लगभग फर्स्ट कोट को सूखने के लिए हमारे 4 से 5 घंटे चाहिए। इस बात का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि एक कोट लगने के तुरंत बाद दूसरा कोट शुरू कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। लगभग 4 घंटे सूखने के बाद ही इसका दूसरा कोट शुरू करें। इस समय जो केमिकल कर रहे हैं ये डॉक्टर फिक्सिट का बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन केमिकल है। जब हम सेकंड कोट करते हैं 4 घंटे के बाद सेकंड कोट करते हैं, तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि फर्स्ट कोट की तरह ही सेकंड कोट कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। तो इस बात का हमें वहाँ खड़े होकर के ध्यान देना है कि फर्स्ट कोट के ऊपर सेकंड कोट जरूर करें। अगर हमारी छत सेकंड कोट में सूख गई, यानी कि हमारा 8 घंटे एक दिन पूरा हो गया, तो अगले दिन हम या 3 से 4 घंटे बाद हम लोग तीसरा कोट शुरू करते हैं। ये हमारा फाइनल कोट रहता है, इसमें 3 कोट किए जाते हैं जो बेस्ट रहते हैं सॉल्यूशन के लिए। आपकी 5 साल की ये केमिकल जो है 5 साल की आपको वारंटी देता है कि आपकी छत नहीं टपकेगी। इसकी कोटिंग दीवारों पर, पैराफिट बॉलों पर या कॉलम पर ज़रूर कराएं, ज़रूर से ज़रूर कराएं। अगर आपको कोई सलाह लेनी है तो डॉक्टर फिक्सर एडवाइज़र का नंबर मैंने दे दिया है, टोल फ्री नंबर है, या आप वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, तो आप इन्हें कॉल करके कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। और डॉक्टर फिक्सेट की वेबसाइट पर आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत से प्रोडक्ट दिखाई देंगे, बहुत केमिकल हैं इसमें, डॉक्टर फिक्सेट के बहुत केमिकल आते हैं। डॉक्टर फिक्सेट रूपसेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मटेरियल है वाटर प्रूफिंग के लिए। डॉक्टर फिक्सेट रूपसील आपको 5 लीटर से 20 लीटर तक आपको मिल जाएगा। अब आता है डॉक्टर फिक्सेट का रूफ कोट WPC, ये 1 लीटर 4 लीटर 10 लीटर 20 लीटर में मिल जाता है। ये भी बहुत बेस्ट केमिकल रहता है, ये जितनी हमारी बदसूरतें दरारें दीवारों में दरारें होती हैं उन सबको शो नहीं होने देता, इसकी 5 साल की वारंटी रहती है। ये अपनी सारी बाहरी दीवारों को, छतों को सुरक्षित रखता है, ये भी बहुत बेस्ट मटेरियल है। उसके बाद आता है डॉक्टर फिक्सेट का रेनकोट क्लासिक, ये हमें 1 लीटर से 4 लीटर 10 लीटर 20 लीटर में मिल जाता है। ये केमिकल अपनी सतह पर बारिश के पानी को रुकने नहीं देता है, जंक नहीं आने देता है, सीमेंट वगैरह से अच्छी बॉन्डिंग करता है, हमारे स्लैब से अच्छी बॉन्डिंग कर लेता है। ये केमिकल बहुत बेस्ट है। ये केमिकल आपको 3 किलो 15 किलो 30 किलो 90 किलो की पैकिंग में मिल जाएगा, डॉक्टर फिक्सिट पिटिफिन 2K 112। यह इजी अप्लाई हो जाता है,
इसकी थिकनेस बहुत अच्छी रहती है। ये बेट एरियाज में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ फॉर पोर्टेबल वाटर टैंक के लिए भी बहुत सेफ रहता है। कंक्रीट के साथ एंड विद मैसनरी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेता है। वाटर रेजिस्टेंट रहता है। ये केमिकल भी बहुत बेस्ट है हमारा, तो एक बार इसे भी ट्राई करें। ये केमिकल हमारा 4 लीटर से 20 लीटर में अवेलेबल रहता है। इसका जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया की। यूवी रेजिस्टेंट रहता है, फूड ट्रैफिकेबल रहता है, 0 डिल्यूशन रहता है इसमें, नो ब्रेकिंग ऑफ रूफ्स, छत में क्रैक्स आने से रोकता है। ये इसके 3 कोट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में किए जा सकते हैं 1 mm थिकनेस के साथ। इसमें 0 डिल्यूशन रहता है, कहीं पर कोई ब्रेकिंग नहीं रहती है। ये बहुत बेस्ट केमिकल है हमारा, तो एक बार इसे भी ट्राई करें। ये केमिकल हमारा 200 ग्राम से लेकर के 20 किलो में अवेलेबल है। ये कंक्रीट, जैसे हमें अगर पुरानी कंक्रीट या स्लैब से अपनी नई कंस्ट्रक्शन कंक्रीट को जोड़ना है, तो आप इस केमिकल को ब्रश से पेस्ट कर दीजिए वहाँ पर, और अच्छे से पेस्ट कर दीजिए, कोई भी बॉइस वगैरह दिखाई ना दे, और उसके बाद नई कंक्रीट वहाँ पर कास्ट कर दीजिए। तो ये बहुत बेस्ट मटेरियल रहता है। ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। पुरानी रिपेयर को भी इसे मिक्स करके, कंक्रीट के साथ मिक्स करके, मोटर के साथ मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट मटेरियल रहता है हमारे पुरानी कंक्रीट से नई कंक्रीट को जोड़ने के लिए। तो आप एक बार इसे भी ट्राई करें। अगर आपको अपना पुराना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाना है या कोई स्लैब आगे बढ़ानी है, तो इसका मटेरियल को ज़रूर यूज़ करें। अब बात करते हैं हम डॉक्टर फिक्सेट की। ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में। तो ये 200 ml से लेकर के 50 लीटर तक आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसमें एक बैग सीमेंट में 200 ml हम इसे यूज़ करते हैं। इसे हम ब्रिक वर्क में, प्लास्टर में, कंक्रीट कास्टिंग में यूज़ करते हैं, कहीं तो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे वर्केबिलिटी बढ़ा देता है, क्रैकिंग को रोकता है, और हमारे कोरोजन से, जो हमारी कंक्रीट होती है, स्टील होती है, उसे कोरोजन से रोकता है। और ये हमारे प्लास्टर, मोटर वगैरह सारे एरियाज में यूज़ किया जाता है इसको। ये वाटर प्रूफिंग के लिए भी बेस्ट रहता है, तो आप एक बार इसे भी यूज़ करें। LW+ तो हमारा प्लास्टर के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है, जहाँ पर हमारा नमी बनी रहती है, उसमें हम LW+ को ज़रूर यूज़ करें। आप देखेंगे आपका इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट रहेगा। थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सिविल साइट क्रिएशन। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।